हेमनिस गेमिंग चैनल में आप सबका स्वागत है भाई लोग। और यहाँ पे आ चुका है चैनल पे तीसरा ब्लॉग, दूसरा तो हो चुका है, पूरी का ब्लॉग था। और ये भाई हम पहुँच चुके हैं राजगीर में। तो भाई सुनने में आया था कि बिहार में भाई स्काई ब्रिज बना हुआ है, मतलब भाई ग्लास ब्रिज, तो सोचे भाई चलते हैं एक्सप्लोर करने। तो भाई यहाँ तो हम निकल चुके हैं आराम से बैठ कर, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो ये रास्ता मतलब यहाँ पे भाई आने पे कुछ ना मिले चाहे मिले, लेकिन तुम्हें जो नेचर है ना भाई उसका जो है भरपूर आनंद मिलेगा यहाँ पे भाई। मतलब जिसको भी नेचर पसंद है उसको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। पूरा जो भाई सफ़र है वो पूरा एकदम नेचर के बीच में ही है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया, मतलब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और ऊपर से आगे देखने आगे जाने पर भाई आपको पहाड़ भी मिलेगा। और यहाँ पहुँच गए जयप्रकाश उद्यान, ये एक छोटा सा पार्क है और बहुत ही भाई खूबसूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा, और ये भाई मतलब जिधर से स्काई ब्रिज जाते हैं उसके जस्ट अपोजिट में ये है, मतलब जहाँ से एंटर करेंगे उसके अपोजिट में ये पार्क है। तो भाई देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है पार्क। और भाई पहला बात तो कि ये वेल मेंटेन्ड है पार्क, भाई बनाने को बना देते हैं लेकिन मेंटेन नहीं होता है, लेकिन भाई ये पार्क पूरी तरह से वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप नज़ारा देखो बस। यहाँ पे ये सीन आपको देखकर लग रहा होगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे सारे बंदे भाई भाग क्यों रहे हैं। तो भाई सारे जो है आर्मी रेस में सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं आर्मी के लिए, ऐसा भाई बिल्कुल सोचना मत। यहाँ जो है भाई टिकट लेने के लिए आपको कम से कम 200-300 मीटर दूर ऐसे ही भाई आपको भाग के जाना पड़ेगा, जाके वहाँ पर जो सबसे पहले पहुँचेगा वैसे वैसे आपकी भाई नंबरिंग आएगी और वैसे वैसे आपको टिकट मिलने वाला। तो यहाँ आर्मी की रेस हो गई है ख़त्म। और यहाँ पर भाई देख सकते हैं टिकट काउंटर के पास कितना लंबा भीड़ है।
भीड़ तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा, और साथ में भाई एक और नियम है कि हर दिन सिर्फ 800 टिकट ही ये लोग बेचेंगे, मतलब सिर्फ 800 ट्रैवलर ही घूम पाएंगे मतलब स्काई ब्रिज को। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है भाई ख़तरनाक एकदम भाई एसी बसेस हैं जिसमें हमें बैठ के जाना है। तो मतलब यहाँ पे टिकट काउंटर में आपको स्काई ब्रिज का टिकट नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है 50 रुपये का एक टिकट, जिसमें भाई ये बस क्या वो एक तरह से टिकट है जिसमें वो आने जाने का जो है 50 रुपये ले रहे हैं। और ये बस भाई आपको वहाँ पर स्काई ब्रिज के पास जाके छोड़ेगा और साथ में वापस लौटते टाइम आपको यहाँ पर ला के वापस छोड़ भी देगा। और यहाँ टिकट हमें देख सकते हैं 4 घंटे के लिए वैलिड है। और यहाँ पे भाई हम जा रहे हैं बस में बैठने, बस तो भाई बहुत ही फर्स्ट क्लास है और साथ में भाई बड़े बड़े खिड़की है जिससे आप आराम से जो है बाहर नेचर का मज़ा ले पाएंगे। और भाई वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं भाई बहुत सीन काट दिया हूँ, नहीं तो भाई पूरा ट्रैवल का वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत नेचर के भाई झलक आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई लोग यहाँ पे हम लोग बस में बैठ चुके हैं और भाई सफ़र हो गया शुरू। यहाँ पे देख सकते हैं भाई क्या दूरी पे एकदम मस्त मस्त पहाड़ दिख रहे हैं, साथ में भाई पेड़ पौधे दोनों तरफ लगे हुए हैं। एक तरह से भाई मानो कि इसी के आसपास कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो शायद मुझे उतना नॉलेज है नहीं लेकिन मेरे को जहाँ लगता है उसी के आसपास से जा रहा है, इसलिए भाई गाड़ी भी उस कलर का पेंट किया हुआ है ताकि मतलब जो भी जानवर है उनसे भाई मतलब एक तरह से वो सेफ्टी माना जाता है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं आराम मतलब बस आप यहाँ पे नज़ारा देखो, उसके बाद भाई हम आगे बात करते हैं। और यहाँ पे एक आने वाला है जरासंध का अखाड़ा जो कि भाई यहाँ पे बॉक्सिंग करता था, तो उसका भाई रिंग यहाँ पे बना हुआ है, पुराने ज़माने का रिंग है भाई, लेटेस्ट रिंग है नहीं, तो वो भाई आगे देखने को मिलेगा। भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं अखाड़ा आ चुका है, यही है भाई जरासंध का अखाड़ा, इसी में वो कुश्ती लड़ा करता था। तो भाई यहाँ पे वैसे ही भाई इसको एकदम प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो भाई फिर से यहाँ पे हम नेचर का फ़ायदा उठाते हैं मतलब मज़ा लेते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें पहुँचना है स्काई ब्रिज के पास। तो अभी तो भाई हमें यहाँ पर गेट मिलेगा आगे जाकर, उस गेट के पास फिर हमें टिकट कटानी होगी स्काई ब्रिज की, और साथ में भाई और भी सारे चीज़ हैं जो भी करना है आपको पहले से डिसाइड करना है, वहाँ पर आपको ख़रीद लेना है, उसके बाद भाई आगे जाएँगे हम। और भाई लोग यहाँ पे इंतज़ार हो गया ख़त्म और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गेट पे। यहाँ पे देख सकते हैं भाई झुग्गी चलती हैं, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है चलती हैं, मतलब ये अंदर में आपको अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो वहाँ ही आपको चलेंगे। और भाई पर पर्सन आपको 10 रुपये लगता है आने जाने का। और यहाँ पर सामने भाई देख सकते हैं टिकट घर है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भाई आपके बाथरूम जाने के लिए व्यवस्था की गई है पहाड़ों के बीच। और यहाँ पर भाई देखो जो गेट था वो भी बहुत तगड़ा था। और यहाँ पर भाई हम निकलते हैं आगे सफ़र में। यहाँ पे भाई लोग जो भी आपका बस टिकट है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, दिखा के जब ये आपको आधा फाड़ के दे देंगे आपको टिकट वापस आने के लिए, और फिर भाई हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं भाई लाइन से आपको गाड़ी लगा हुआ है, अगर आपको जाना है तो भाई आराम से आप गाड़ी में बैठो और आगे जाओ, 10-10 रुपये लेता है। लेकिन आपको शुरुआत में यहाँ पर स्काई ब्रिज दिखेगा, तो भाई स्काई ब्रिज के पास आके आप स्काई वॉक नहीं ला तो फिर क्या फ़ायदा। तो भाई यहाँ पर हम चल दिए हैं भाई, यहाँ पर सीढ़ी से आपको चढ़ना है, थोड़ा सा ऊपर है मतलब होगा मेरे को यहाँ तो लगता होगा 100 या 150 कुछ ऐसी सीढ़ियाँ होंगी, उसके बाद आप ऐसे यहाँ पे चढ़ेंगे, चढ़ के भाई फिर आप वहाँ पहुँचेंगे स्काई ब्रिज के पास। तो भाई वहाँ पे स्काई ब्रिज का हम लेंगे मज़ा और फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे सस्पेंशन ब्रिज। तो भाई लोग यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं स्काई ब्रिज, राइट साइड में स्काई ब्रिज और लेफ्ट साइड में सस्पेंशन ब्रिज का बोर्ड लगा है, लेकिन इतना भी पास नहीं है भाई, बहुत दूर है। स्काई ब्रिज से देखने से भाई एकदम चीटी की तरह आपको दिखेगा। तो भाई यहाँ पे गेट पे पहुँच गया, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो हो चुका है लंबा। ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा है? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप, अगर आपको इतना ईजी काम नहीं आता तो।